आगे बढ़ लेते हैं। सिरसा से एक बड़ी जानकारी आप तक साझा करें, जहां इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत के दौरान बयान दिया गया है रणजीत सिंह चौटाला ने। दरअसल कहा है कि रानिया से बीजेपी के टिकट पर मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। रानिया की जनता अब विश्वास जताएगी फिर से। मौसम को देखते हुए बिजली के व्यापक प्रबंध किए गए हैं, प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है, ये रणजीत चौटाला ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत के दौरान कहा है। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला एक बार फिर से आम कार्यकर्ताओं के साथ हैं, चुनाव के बाद उनसे चर्चा भी कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुट चुके हैं। बातचीत करने के लिए खुद मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही विधानसभा चुनाव अब सिर पर हैं, किस तरह की तैयारी है? मैं बहुत बढ़िया है, मैं तो रेगुलर आता हूँ, अपना घर है। कल फारिग हो गया था कैबिनेट मीटिंग के बाद, आ जाया हूँ, मिल रहा हूँ लोगों से और तकरीबन मेरा 12 महीने ऐसे मिलता रहता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। विधानसभा में हमारा हल्का एकदम बढ़िया है, कोई भी आ जाए सामने, कोई दिक्कत है ही नहीं। रानिया से सर, आप विधायक हैं, आगे क्या तैयारियाँ हैं? विधानसभा चुनाव अभी 3-4 महीने बाद ही होने वाले हैं, क्या तैयारियाँ? मैं तैयारी है जी, कभी भी आ जाए, मैं तो आज भी तैयार हूँ, 4 महीने बाद भी तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का बहुत बढ़िया है, लोग मेरे साथ। 4.5 साल का कार्यकाल आपका हो चुका है, क्या कुछ आपकी उपलब्धियाँ रही? बहुत काम हुए हैं लोगों के, बहुत डेवलपमेंट हुई है, बड़ा विकास हुआ है। मनोहर लाल जी के वक्त भी अब BCM साहब ने फिर अच्छा पैसा दिया है, यहाँ होके गए थे CM, होके गए थे अमित शाह जी आए थे, तो इलाके की बहुत डेवलपमेंट हुई है। कुछ 3-4 महीने का शेष कार्यकाल रह गया, आगे क्या कुछ प्लानिंग है रानी हल्के या हरियाणा के लिए? कुछ यहीं रहूँगा, लोगों में जाना होगा, रोज लोगों के बीच में रहेंगे, लोग साथ देना चाह रहे हैं मेरे काम को, जो सरकार ने काम करा है उस करके लोग विकास के साथ हैं। सर, एक राज्यसभा चुनाव का भी बिल्कुल बच चुका है, हालांकि कांग्रेस बार बार कह रही है कि JJP या दूसरी जो पार्टियां हैं इकट्ठी होकर BJP के जो कैंडिडेट होंगे, संभावित होंगे, उनको हराने का काम करेंगे, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, वो कोई BJP का जो भी उम्मीदवार है वो जीतेगा और मैं उसके लिए उम्मीदवार नहीं हूँ। 2 साल की राज्यसभा में विधानसभा लड़ूंगा। कांग्रेस दावा कर रही है कि सभी पार्टियां मिलकर ही BJP को राज्यसभा सीट नहीं लेने देंगे। नहीं, मिल जाए चाहे, हमारी मेजोरिटी हम लेके आएंगे, जीतेंगे। इसके साथ ही बात की जाए तो गर्मियों का सीजन पीक पर है, गर्मी के मौसम को देखते हुए बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली का ठीक हमारी तैयारी है, 14,500 MW हमारे हाथ में, कभी कभार कुछ ज़्यादा ओवरलोड, जैसे अभी सिरसा में 12,000 नए AC लगे हैं इसी सीजन में, अब लोड बढ़ जाता है तो कई बार कट जाता है, 10 मिनट लगता है, फिर उसके बाद ठीक हो जाता है, ठीक कर लेते हैं। ओवरऑल बिजली की बिल्कुल पूरी तैयारी से, कोई दिक्कत नहीं, बरसात आ जाएगी उसके बाद दिक्कत ही नहीं रहेगी। एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा, आप विधायक है रानिया से, अगली प्लानिंग क्या रहेगी, चुनाव लड़ेंगे विधानसभा? मैं रानिया विधानसभा से लड़ूंगा। किसी से फाइट मानते हैं कांग्रेस या दूसरी पार्टियों से? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, पर मेरा हल्का मुझे बहुत मजबूत है, बहुत काम करे हैं, लोग साथ हैं। BJP की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं पिछली बार मुझे इंडिपेंडेंट भी बना, मैं BJP से लड़ूंगा। तो ये थे मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव बिल्कुल सिर पर है, ऐसे में BJP की तरफ से और खुद उनकी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और फिलहाल ये BJP की सीट पर रानिया से ही चुनाव लड़ेंगे और जो 3-4 महीने का जो कार्यकाल है बखूबी रानिया के हल्के के लिए, दूसरे जो जिलों के लिए बखूबी काम करेंगे। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।